हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इप्सन प्रिंटर से कलर प्रिंट कैसे निकालें। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, इसमें आप पूरे सेटिंग को बताएंगे कैसे आप इप्सन प्रिंटर से कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कलर आउट प्रिंट करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए हम जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जैसे कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका हो या फिर जैसे भी हो, तो यहाँ पर पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले अपना हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी पीडीएफ आपका है, उस पीडीएफ को आपको कलर प्रिंट करना है एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ वाहन, लिखता हूँ वाहन, यहाँ पर वाहन लिख के सर्च किया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस पर टैप किए तो यहाँ पर आ जाता है इस तरह। तो ये पेज जो है आपको अगर प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी दबाइएगा, चाहे कोई भी पीडीएफ कोई ओपन आप प्रिंट कर रहे हैं। जैसे मैं कोई पीडीएफ को ओपन निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंट पे गए और यहाँ पे जो एक फॉर्म है, उस फॉर्म का जो पीडीएफ है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पर हम टैप करते हैं, ये देखिए पीडीएफ है ये। तो चाहे आप कोई भी, चाहे गूगल क्रोम का हो या फिर कोई भी प्रिंट मार रहे हैं, तो कंट्रोल पी दबाइएगा इस तरह, तो प्रिंट का ऑप्शन इस तरह आ जाएगा, देख सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पे इस तरह जाके प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से भी, तो बेहतर होगा कि कंट्रोल पी कीजिएगा। और यहाँ पे करने के बाद देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपका सबसे पहले मैं आप अपना प्रिंटर को चुनना है। यहाँ पे इसे यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे अपना प्रिंटर चूज कर लीजिएगा इस तरह। यहाँ पे देख सकते हैं इप्सन L380 मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पेज, ऑल पेज अगर प्रिंट करना तो ऑल पेज, उसके बाद यहाँ पे कॉपीज, तो ठीक है ये सब। यहाँ पे जो कलर लिखा होगा, ये कलर को आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ से कलर कर देना है। तो ये क्या हो गया, आपका ये कलर निकलेगा। और अगर यही चोर क्लियर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा। तो इस पर यहाँ पे कलर करना है, और अगर कुछ नहीं करना, अगर प्रिंट मार देना तो यहाँ से प्रिंट मार सकते हैं, बस यहाँ ओके कर देंगे तो आपका जो प्रिंट है यहाँ पे कलर प्रिंट निकल जाएगा। तो इस तरह आप एडोब फोटोशॉप से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं प्रिंट, या फिर आपका हो गया जैसे भी हो, और वहाँ से इस तरह कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। अब फोटो वगैरह के लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे उसके लिए अलग निकालना पड़ता है। यहाँ पे इसे कंट्रोल शिफ्ट पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप प्रेफरेंस पे जाके जो यहाँ पे हाई क्वालिटी का इस पर चुनना पड़ता है, और यहाँ से इप्सन मैट चुनना पड़ता है फोटो के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह आप, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करते हैं, कलर प्रिंट आपको निकालना हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे कंट्रोल पी कीजिएगा और यहाँ पे कलर को इस जो लिखा होगा इसको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट अगर होगा तो यहाँ पे टाइप करके कलर कर दीजिएगा, प्रिंट मार दीजिएगा, बस आपका कलर प्रिंट निकल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इस और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी साथ बता दीजिएगा। फिर मुझे अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।